हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि कैसे कनकेव मिरर के लिए हमारी ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग के साथ साथ इमेज फॉर्म होती है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखना है कि कैसे सिचुएशन बदल जाएगी जब हम कन्वेक्स की बात करेंगे। जैसा हमको पता है, कनकेव मिरर की जो शेप थी वो कुछ इस तरह से होती है, जिसमें जो कर्व होता है वो इनवर्ड्स की तरफ होता है ना, इनवर्ड को मेरा कर्व होता है और वही मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो पॉलिशिंग है वो बाहर की तरफ होती है मेरी, है ना। तो जिसकी वजह से होता क्या है, ऑब्जेक्ट भी मेरी लेफ्ट साइड में रखी रहेगी, मतलब जिस साइड में मेरा फेस उसका ओपन है उसी साइड में मेरी ऑब्जेक्ट होगी, उसी साइड में मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा और उसी साइड में मेरा फोकस भी होगा, है ना। और पोल तो हमारे पास होता ही होता है मिरर के पास, ठीक है सर। तो इससे पता है क्या चीज होती है, इससे ना हमारी पोजीशंस के ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं ऑब्जेक्ट रखने के, कि आप सी के पीछे हमारी ऑब्जेक्ट को रख लो, आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लो, या तो फिर आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट का रख लो, या फिर लास्ट एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट का रख लो, है ना। और जो दो केस बचते हैं वो सी पे और एफ पे बचते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं हमारी ऑब्जेक्ट को स्टे कराने के, ठीक है सर। बट जैसे ही हमारा केस बदलता है, हमारे पास मिरर कन्वेक्स हो जाता है ना, क्या बोला मैंने, जैसे ही हमारे पास कन्वेक्स मिरर हो जाता है तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शन नहीं बचते। क्यों नहीं बचते, क्योंकि सर आप जैसा कि देख पा रहे हो, मैं एक सेकंड मिटा देता हूं। जैसे अब मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर की शेप आप एक बारी को देखो, अब ये आउटवर्ड्स हो गई है, ठीक है। अब ये जो कर्व है ये आउटवर्ड्स है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर को निकला हुआ है, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, खुद सोच के देखो क्या वो लेफ्ट साइड में बन सकता है, तो नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्फेयर है वो राइट साइड में बन रहा है, तो लेफ्ट साइड में सर बिल्कुल डेफिनेट सी बात है कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस नहीं आएगा, है ना। तो बट एक चीज क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो मेरा यही है, लाइट पड़ेगी तो यहीं पे, लाइट यहां से तो नहीं पड़ सकती, तो मेरे को मजबूरी में अपनी ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट साइड में ही रखना पड़ेगा, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट को मुझे लेफ्ट साइड में रखना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस मेरा राइट साइड में रहेगा और पोल तो मिरर पे हमारा होता ही है। तो अब हमारे पास पोजीशनिंग के कितने ऑप्शन बचते हैं, कितने ऑप्शन में मैं अपने ऑब्जेक्ट को स्टे करवा सकता हूं। क्या मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकता हूं, सर नहीं रख सकता, है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं रख सकता, तो दो केस तो ये खत्म हो गए, ठीक है। क्या मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से हल्की सी पीछे रख सकता हूँ, सर बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि वो शीशे के उस तरफ है, वहां से लाइट नहीं आ सकती, तो ये तीसरा ऑप्शन भी खत्म। क्या मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकता हूँ, सर कैसी बात कर रहे हो, अभी आपने बोला कि लेफ्ट राइट साइड में हम नहीं रखेंगे, तो फिर वहां से रिफ्लेक्शन होगी नहीं, तो फिर यहां भी नहीं रख सकते। सिमिलरली पोल और फोकस के बीच में भी मैं अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर सकता, तो चार केसेस तो मेरे सीधे सीधे यहीं खत्म हो जाते हैं। अब बचते कितने केसेस हैं सर, दो केसेस बचते हैं, दो केसेस हम लोग देखते हैं। पहला केस जो है, मैं यहां पर ए पॉइंट डाल देता हूं, पहला केस क्या है, जब मेरी ऑब्जेक्ट जो थी वो इंफिनिटी पे थी, ठीक है सर, जब मेरी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे थी। अब इंफिनिटी पे जब मेरी ऑब्जेक्ट थी, अब खुद सोच के देखो क्या होता था, यहां से रेज निकलती थी, इंसिडेंट रे निकलती थी, तो ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, और एक और इंसिडेंट रे एक बार नीचे से निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको रूल पता है ना यार, कि जब भी मेरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो वहां से निकलने वाली सारी की सारी रेज इस एक्सिस के पैरेलली मूव करेंगी। और हमको एक और रूल पता है, जब भी मेरी रेज पैरेलली मूव करेंगी, वो कहां से पास होती हुई जाती है सर, फोकस से पास होती जाती है। पर अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि यहां तो फोकस ही नहीं है, ये रेज आ तो रही है पर रिफ्लेक्ट होकर के ये फोकस पे तो जा ही नहीं सकती, ये वापस यहां से जा ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पे तो फोकस ही मिसिंग है। तो मैं कहता हूं सर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वो रिफ्लेक्ट होकर इस एक्सिस के पास आए, वो रिफ्लेक्ट होकर इस एक्सिस से दूर भी जा सकती है। कैसे, कैसे, कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारे पास फोकस जो है वो राइट साइड में है, तो होगा क्या, ये जो लाइट रेज है ना, जैसे इंसिडेंट यहां कर रही है, तो होगा क्या कि ये कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेंगी जो जिनका एक्सटेंशन फोकस से मैच करेगा। कैसे, देखो ये रहा, अब कुछ हमको यहां से हम इस फोकस को ज्वाइन कर देंगे, ऐसी इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है सर, फोकस को ज्वाइन कर देंगे और बिल्कुल इसी लाइन की सीध में हमारी रिफ्लेक्टिंग रेज निकलेंगी R1, और बिल्कुल इसी लाइन की सीध में यहां से हमारी रिफ्लेक्टिंग रे निकलेगी R2, ठीक है सर। ये मेरा I1 था और ये मेरा I2 था, समझ में आई चीज, क्या बोला, हुआ क्या कि इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखी थी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखने से हुआ क्या, पैरेलल मेरी लाइंस आई,
पैरेलल आने की वजह से उनको फोकस से तो जाना था, फोकस से पास करना ही करना था, पर हुआ क्या, वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई। देखो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई कि इस रिफ्लेक्टिंग रे की एक्सटेंशन पीछे से फोकस से जाती और बिल्कुल सिमिलरली ऊपर की तरह। ठीक है सर, समझ आया ये केस। अब आप बोलोगे भैया यहां पर रिफ्लेक्टिंग रेस तो मीट ही नहीं हुई, वो तो मीट ही नहीं हुई। तो देखो एक बार खुद ध्यान से देखो कि ये रेस इधर भली जा रही है बट पीछे की तरफ ये कहां पे मीट हो रही है। अब देखो यहां ऊपर चली गई, यहां नीचे चली गई, तो ये तो डाइवर्ज हो गई ना, वो फैल गई, तो यहां मीट होना इम्पॉसिबल है। तो इमेज का इस एरिया में बनना इम्पॉसिबल है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज है ये पीछे की साइड जरूर जा सकती है, यहाँ पे मीट हो सकती है। और वो कहाँ पे मीट हो रही है सर, फोकस पे मीट हो रही है। ठीक है, तो फोकस पे मेरी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। समझ आती है बात? ठीक है, तो बिल्कुल देखो सेम सीन है कि इन्फिनिटी पे मेरी ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस में। बिल्कुल वही चीज हुई है ना, बस इस बार कुछ फर्क हुआ है। क्या फर्क हुआ है कि जो हमारी इमेज थी वो शीशे के आगे नहीं बनी, वो शीशे के पीछे, मतलब हमको ऐसा लगेगा कि शीशे के अंदर वो इमेज दिख रही है। इसका मतलब वो इमेज, अब सबसे पहले तो वो इमेज हो गई वर्चुअल। ठीक है सर, वो इमेज क्या हो गई, वर्चुअल, क्योंकि हमें नहीं पता कि, क्योंकि वो सही में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है ना, वो मिरर के आगे बनी नहीं रही है जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने अब भी कनकेव वाला केस नहीं देखा है तो आपको सिंपली पिछली वाली वीडियो को देखना है और वहां पे आप रे डायग्राम का पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो। ठीक है सर, समझ आया ये चीज वर्चुअल कैसे हुई। अब फटाफट से चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, फिर एक सिंपल से चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस पोजीशनिंग में हमको कैसी इमेज देखने को मिलती है। सर एक केस हमने देख लिया जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई थी, अब जो दूसरा केस बनता है वो क्या होगा, जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होगी, इन्फिनिटी से आगे होगी और पी पोल, पोल से थोड़ी पीछे होगी। ठीक है सर, व्हेन आर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, क्योंकि और कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहीं पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कैसे इसकी इमेज बनते हैं। तो रेज एक बार, रेज रे डायग्राम एक बार हम यहाँ पे फॉर्म करने की ट्राई करते हैं। अब देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गई है। ठीक है, तो एक रे तो मैं यहां से बिल्कुल पैरेलल ले लूंगा, एक्सिस के पैरेलल में रे ले लूंगा, जो कि अभी तक हम करते आए हैं, कुछ इस चीज में नया नहीं है। ठीक है, अब हमने देख लिया कैसे फोकस से पास करेगी, तो हमको यहां से ही फोकस को ज्वाइन करना है और बिल्कुल इसी लाइन के, इसी रेखा के सीध में अपनी रिफ्लेक्टिंग रे बनानी है। ठीक है, आर वन, ये हो गई मेरी आई वन, वो हो गई मेरी आर वन। अब देखो, अब मुझे दूसरी इंसिडेंट रे तो चाहिए क्योंकि मुझको दूसरी रिफ्लेक्टिंग रे चाहिए, है ना, जब दो रिफ्लेक्टिंग रेज मीट करेंगी तभी मेरी इमेज बन सकती है। तो दूसरी इंसिडेंट बनाने के, दूसरी इंसिडेंट रे बनाने के कुछ तरीके हैं, या तो उसको पोल से पास करा दो। ठीक है सर, पोल से भी पास करा सकते हो, या तो कुछ ऐसा करो कि वो फोकस से पास करे, ठीक है, या तो फिर उसको कुछ इस एंगल में लाओ कि उसकी एक्सटेंशन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करें। मैं आपको ये वाला बताता हूं, आपका होमवर्क है, आपको इन दोनों के लिए भी ये केस करके देखना है। ठीक है सर, समझ गए, या तो फिर आप, हाँ वैसे यही केसेस बनते हैं। तो अब मैं कुछ इस एंगल में इसको लाऊंगा कि उसकी एक्सटेंशन मिरर के बाद सी पे जाके मिले। ठीक है सर, कैसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है सर, मैंने कुछ इस तरह से रे को इंसिडेंट किया है, यहां पे कुछ इस तरह से इंसिडेंट किया है कि वो एक्सटेंड होके हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। ठीक है, ये हो गई मेरी आई टू। अब आपको पता है जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरी इंसिडेंट रे जाती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग रे भी वहीं से वापस आती है, तो मेरी रिफ्लेक्टिंग रे बिल्कुल इसी डायरेक्शन को ट्रेस करती हुई आएगी और बनाएगी आर टू। ठीक है सर, समझ आई ये चीज। अब आप एक बार खुद सोच के देखो, आर वन मेरे पास यहां जा रहा है, आर टू यहां जा रहा है, तो ये दोनों लाइनें यहां तो मीट नहीं कर सकती, डेफिनेटली वो मीट करेंगी तो शीशे के पीछे रियल इमेज नहीं बन सकती। इतना क्लियर हो गया, इतनी बात हमारे दिमाग में आ गई है। तो फिर अब हमें देखना है कि ये दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज मीट कहां कर रही है, यहां से एक्सटेंड कर दिया, यहां से एक्सटेंड कर दिया, सर ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये हमें पॉइंट मिल गया। अब एक बार खुद सोच के देखो, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका बेस एक्सिस पे था, यहां पे भी बेस हमको एक्सिस पे रखना है और जहां पॉइंट है वहां पे मुझे हेड बना देना है। ठीक है, ये बी डैश हो गया और ये ए डैश हो गया। अब मुझे मेरी इमेज मिल चुकी है, इस इमेज की एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या क्या हो गया। सर पहले तो वर्चुअल इमेज है, क्यों है आप लोगों को पता है क्यों है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। सेकंड चीज इरेक्ट है, ठीक है, वो इन्वर्टेड अब नहीं आ रही है पिछले केस की तरह, पिछले मिरर की तरह इन्वर्टेड नहीं आ रही है, बिल्कुल इरेक्ट है।
और तीसरी चीज मिनिमाइज्ड है। ठीक है सर, तो ये तीन इमेज डिस्क्रिप्शंस मुझे मिल गई हैं। तो इमेज बनी कहां पे, यहां पे पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, अगर मैं इसको और पीछे कर देता तो शायद ये इमेज की पोजीशन जो थी वो अल्टर हो जाती। ठीक है, अब मेरे को तीन यहां पर डिस्क्रिप्शंस मिल गई हैं। तो ये दूसरा केस था हमारे कन्वेक्स मिरर का। अब एक चीज सिंप्लीफाई करने के लिए, सारे के सारे कंसेप्ट को एक साथ सीखने के लिए, मैं आपको चार्ट की फॉर्म में दिखाऊंगा, दोनों मिरर के लिए दिखाऊंगा। वो चीज अगर हमने समझ ली है, वो चीज अगर हमें समझ आ जाती है, तो ये रे डायग्राम का कंसेप्ट हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और 11th और 12th की ऑप्टिक्स भी हमको बहुत बढ़िया से समझ आने वाली है। गाइस, जैसे हम लोग अभी रे डायग्राम के कंसेप्ट को तो समझ चुके थे, मैंने आपको बताया था कि एक चार्ट है, दो मैं आपको चार्ट्स दिखाऊंगा। एक तो कनकेव मिरर के लिए, जिसमें हमारी सारी पोजीशनिंग है कि कैसे हमने ऑब्जेक्ट पोजीशन करी थी और उसके बाद किस तरह से हमको उसमें इमेज की पोजीशन देखने को मिली थी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी इमेज की। सिमिलरली मैं आपको कन्वेक्स के लिए भी वही सेम चार्ट दिखाऊंगा कि उसमें ये सारी सिचुएशंस कैसे वेरी करती हैं। तो फटाफट चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जल्दी से इस वीडियो का भी एंड करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो कनकेव मिरर का हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। जो भी मैंने आपसे बातें करी थी पोजिशनिंग को लेकर, वो सारी की सारी इस चार्ट में हमको गिवन है। इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है और इस कंसेप्ट को समझना है कि कब कौन सी पोजीशन पर हमें कैसी इमेज मिलने वाली है और किस कैरेक्टरिस्टिक की इमेज मिलने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप देख सकते हो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का ये कॉलम है, पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पर दिखाई जाएगी, साइज ऑफ इमेज ये है, नेचर ऑफ इमेज हमको यहाँ पर दिखाया जाएगा। हमने जैसे केसेस करे थे ना कनकेव मिरर में, 6 केसेस करे थे, तो वो सेम टू सेम केसेस बिल्कुल यहाँ पे लिखे हुए हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब हमारी इन्फिनिटी में थी तो आपको याद होगा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनी थी सर, फोकस पे बनी थी। किस तरह की इमेज बनी थी, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत ही छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी, यानी कि पॉइंट साइज। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनी थी क्योंकि आपको याद होगा वहाँ पर हम उसको इन्वर्टेड, मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ पर देख नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत छोटी थी। उस इमेज की क्या प्रॉपर्टी रही होगी सर, वो मिरर के पहले इमेज बन रही थी, इसलिए हमने उस इमेज को नाम दिया है रियल। और अगर रियल इमेज है तो सर डेफिनेट सी बात है वो इन्वर्टेड तो होगी होगी। सिमिलरली मैं अगर सेकंड केस में चलूं तो मैंने उस अपनी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया था, बियॉन्ड सी रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के हल्का सा पीछे। जो मेरी पोजीशन ऑफ इमेज थी वो आपको याद होगा एफ एंड सी के बीच में बनी थी। ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारी वहाँ पे इमेज बनी थी और अपने ओरिजिनल साइज से हल्की सी छोटी थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नाम दिया डिमिनिश्ड। ठीक है सर, इसलिए वहाँ पे डिमिनिश्ड उसको कहा गया है। शीशे के पहले बनी थी वो भी, यानी कि वो सही में एग्जिस्ट करती थी हमारी इमेज, इसलिए उसको रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पर कहा गया है। तीसरे केस में एट सी हमने ऑब्जेक्ट रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बिल्कुल ऑब्जेक्ट रखा था, आपको याद होगा उस केस में जो इमेज बनी थी वो भी सी पे बनी थी, बिल्कुल उसी के साइज की, है ना, सेम साइज इमेज बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी क्योंकि शीशे के पहले बनी थी। ठीक है, तो वो बिल्कुल असली में एग्जिस्ट करती थी। अगला केस जो था वो बिटवीन सी एंड एफ था। ठीक है सर, अब हमने और आगे शिफ्ट किया, बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट को रखा, तो अब जो हमारी इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी हो जाएगी। आप पैटर्न देख रहे हो यहाँ पे कि मतलब वही चीजें बार बार रिपीट होती जा रही है ना, अब वो बियॉन्ड सी हो जाएगी। अब जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज्ड बनेगी, थोड़ी सी अपने साइज से बड़ी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, जैसे कि आपको पता है शीशे के पहले वो हमारी इमेज बन रही थी तो वो रियल इमेज थी। जब हमने फोकस पर रखा था अपने ऑब्जेक्ट को सर, यहाँ पे देखो, जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो फिर हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है सर, हाईली इनलार्ज्ड होगी। ठीक है, यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड थी आप देख रहे हो, तो यहाँ पे वो हाईली इनलार्ज हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बड़ी हो जाएगी, हम देख नहीं सकते उसको, बट हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हाईली इनलार्ज्ड है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो अब भी रियल एंड इन्वर्टेड होगी क्योंकि जो इमेज बनेगी वो शीशे के पहले ही बनेगी, वो रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ ही बनेगी। ठीक है, तो वो रियल इमेज होगी, रियल होगी तो सर डेफिनेट सी बात है वो इन्वर्टेड भी होगी। लास्ट केस जो हमने देखा था वो क्या था, बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि फोकस और पोल के बीच में अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो उसकी पोजिशनिंग थी ना वो इमेज की, वो कैसा लग रहा था हमको कि शीशे के अंदर को बन रही है, यानी कि बिहाइंड मिरर। रे डायग्राम से भी पता लग रहा था कि मिरर के पीछे बन रही है। इसका मतलब क्या है सर, मिरर के पीछे तो कोई इमेज बन नहीं सकती है क्योंकि वहां तक लाइट हमारी जाएगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो उसने वर्चुअल हो जाना था, वर्चुअल है और हमने देखा था वो इरेक्ट भी थी, यानी कि सीधी खड़ी थी, और उस साइज ऑफ इमेज क्या हमको देखा था हमने, वो थोड़ा सा इनलार्ज था। ठीक है सर, तो ये हमारा कनकेव मिरर के केसेस थे। अब ऐसे ही एक और चार्ट है, वो थोड़ा छोटा है क्योंकि वहां पे हमने सिर्फ 2 ही केस देखे थे जब हम कन्वेक्स की बात कर रहे थे, तो एक बार उसको भी समझ लेते हैं। देखिए सर, अब कन्वेक्स मिरर के चार्ट की बात करें तो वही सेम कॉलम्स, वही सेम सारी कैटेगरीज है हमारे पास,
पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। ठीक है सर, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम अब देखो, अब वो सारे केसेस तो हमारे पास खत्म हो चुके थे ना, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल वाले। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस अब हमारे मिरर में राइट साइड को लाया कर रहे थे, यानी कि बैकवर्ड साइड को, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो गया उस साइड को हमारी ये चीजें लाया नहीं कर रही थी। तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बचे हमारी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए? या तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी पे, या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो पहले देखते हैं, जब हमने इन्फिनिटी पे रखा तो हमको क्या क्या चीजें देखने को मिली। सबसे पहले जो पोजीशन ऑफ इमेज थी वो तो सर बिल्कुल एट फोकस बिहाइंड द मिरर। क्यों कहा गया है बिहाइंड द मिरर? क्योंकि देखो, आप लोग खुद एक बार सोच के देखो कि जो फोकस से पास हो रही थी वो मिरर के पीछे जाके हो रही थी, तो जो रिफ्लेक्टिंग रेज जहां पे टकरा रही थी, मीट कर रही थी, वो मिरर के पीछे था, तो हमको ऐसा दिख रहा था कि मिरर के अंदर इमेज बन रही है। ठीक है सर, तो बिहाइंड द मिरर यहाँ पे बोल दिया, इसका मतलब क्या है? मिरर के अंदर अगर हमें इमेज दिख रही है, इसका मतलब क्या है? वो वर्चुअल है और हमें इरेक्ट ही दिख रही थी, जैसे कि वो इमेज थी वैसे ही बिल्कुल दिख रही थी। साइज ऑफ इमेज क्या था? पॉइंट साइज थी, बहुत छोटी थी, क्योंकि अगर फोकस पे इमेज बनेगी तो बहुत छोटी होगी, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह होगी। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, इसलिए वहाँ पे उस चीज़ को लिख दिया। जो हमारा सेकंड केस था, सेकंड केस में हमने क्या सेट करा था? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी एक डेफिनेट पोजिशन पे हमने अपने ऑब्जेक्ट को स्टे कराया। पोजिशन ऑफ इमेज जो हमको मिली बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर आपको ये चीज़ पता है, हमने पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। बिटवीन पोल एंड फोकस, हमें पोल और फोकस के बीच में इस बार इमेज देखने को मिली है। उसके कैरेक्टरिस्टिक साइज कैसा था? सर डिमिनिश थी, अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ी सी छोटी थी। नेचर ऑफ इमेज क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है सर, तो हमें ये चीज तो पता लग गई, जब भी हमको कन्वेक्स मिरर दिया जाएगा, जब भी कन्वेक्स मिरर दिया जाएगा, हमको जो इमेज मिलेगी वो वर्चुअल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी, हमेशा सीधी दिखेगी। अब आप एक बार मेरे साथ इस चीज को सोच के देखो, अपने चम्मच देखी होगी अपने घर में, आज एक्टिविटी करना घर जाके, चम्मच देखी होगी, जिस साइड से हम खाना खाते हैं ना, जो उसकी कनकेव साइड होती है, ठीक है, जो उसकी कनकेव साइड होती है, उसमें आप ये सिंपल सा टेस्ट एक बार अप्लाई कर सकते हो। आप उसको थोड़ी सी दूरी पर रख के देखना, अपनी चम्मच को थोड़ी सी दूरी पर रखने देखना, वो क्या करेगा ना, वो एक कनकेव मिरर का काम आपके लिए करेगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत शाइनी सरफेस होती है और वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसमें हम अपनी छवि को देख सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि वो एक कनकेव सरफेस है, क्योंकि वो एक कनकेव सरफेस है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। ठीक है सर, थोड़ी दूरी पे रखोगे तो आपको अपना चेहरा उसमें उल्टा दिखाई देगा। ठीक है सर, थोड़ा सा उल्टा दिखाई देगा और छोटा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो फिर आप वहां से ना, इसमें आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप पोजिशन खुद से वहां से डिफाइन करके देखना और खुद एक बार आइडिया लगाना कि ये जो आपके पास एक नया मिरर बना है, इसका फोकस कहाँ पे है, ये आप खुद से कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस आप लोगों को। ठीक है सर, तो रे डायग्राम का कंसेप्ट कंप्लीटली यहाँ पर अब हमारा ओवर हो चुका है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, पहले भी बताया था, कि अनअकैडमी पे लास्ट मंथ की तरह इस मंथ भी अनअकैडमी एसेंट टेस्ट सीरीज लाई गई है। आप लोग अगर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में हो तो आप लोग वहां पे जाके अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो, नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो और वहां पर आप एंजॉय कर सकते हो उस टेस्ट सीरीज को। साथ साथ अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो 9, 10, 11, 12 अगर आप अपने एग्जाम्स की या फिर बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी पे आपके लिए बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारा नॉलेज रखा हुआ है, आप वहां पे डायरेक्टली जाके उन सारी वीडियोज को एक्सेस कर सकते हो। एक चीज आपको करनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, उन वीडियोज को अनलॉक करने के लिए आपको एक रेफरल कोड डालना है, ACLIVE। ठीक है सर, ACLIVE, LIVE, और तब आप सारी की सारी वीडियोस एकदम फ्री में अनलॉक कर लोगे, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, अपने बोर्ड्स की तैयारी बहुत बढ़िया से करो, तब तक के लिए मिलते हैं, ओके, गुड बाय।